की मदद के लिए सभी प्रकार के संगठन प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना पैसा जमा कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रयागराज के प्रधान संघ के प्रधानों ने मिलकर के भी मुख्यमंत्री राहत कोष में एक महीने पैसा जमा करने का ऐलान किया था। लेकिन यहां से एक अलग ही मामला सामने आया है, जहां दूसरे गांव के सचिव ने एक ग्राम प्रधान के खाते से लाखों रुपए उड़ा दिए। बता दें कि पूरा मामला प्रयागराज के कसेरुआ ग्राम का है, जहां पर ग्राम प्रधान लक्ष्मी चंद गुप्ता उर्फ राहुल ग्राम प्रधान ने बताया कि मुझे प्रधान संघ द्वारा सूचना दी गई थी कि मुझे ये कहा गया था कि महरोड़ा ग्राम सभा के सचिव के पास आप आकर डोंगल लगाकर भुगतान करा लीजिए, फिर ग्राम सभा के सचिव के पास चले जाइए, मानदेय का मानदेय भुगतान करा लीजिए, इसी मानदेय का विश्वासघात करके 95 लाख से अधिक यूनिक एंटरप्राइजेस सुपर कंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर कर दिए गए। यह दोनों खाते तकनीकी सहायक विकासखंड बहादुरपुर शकील अहमद के रिश्तेदारों का यह खाता है, इसी में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और इसकी सूचना CDO DPRO और को लिखित पत्र देकर सूचित किया गया है और मुख्यमंत्री को पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये है कि आज कोरोना की जो महामारी विश्व में फैली हुई है, इसी प्रांत में सभी जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना एक महीने का मानदेय दे रहे हैं। उसी क्षण में हमारे प्रधान संघ के प्रदेश सचिव सत्येंद्र त्रिपाठी जी का निर्देश आया कि हम लोग भी एक महीने का मानदेय मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। उसके बाद माननीय सचिव महोदय से मेरा संपर्क हुआ, उन्होंने कहा प्रधान जी आपका बकाया मानदेय, अपना मानदेय का भुगतान भी करा लीजिए और मुख्यमंत्री राहत कोष में एक महीने का मानदेय भी दे दीजिए। क्योंकि सचिव महोदय शहर में रहते हैं, फिर उन्होंने कहा कि आप बगल में महरौड़ा ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा के सचिव दिनेश प्रताप सिंह हैं, उनके पास आप चले जाइए, डोंगल लगा के आप मानदेय भुगतान कर दीजिए। फिर हम उनके पास गए और उनसे मैंने कहा कि मेरा डोंगल लगा दीजिए और डोंगल लगा के मेरा मानदेय का भुगतान कर दीजिए। चूंकि डोंगल लगाना हम लोग को आता नहीं है, डोंगल हम लोग को जब से मिला है हम लोग को कोई प्रशिक्षण तो दी नहीं हुई है,